हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट में हम देखने वाले संविधान के 42 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप इस टेस्ट को पूरा एंड तक लगाइएगा और 42 में से आप कितने सही कर पाते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट की वीडियो, साथ ही साथ रीजनिंग और मैथ की वीडियो भी आपको डेली मिलती रहे, तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुँचने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको टेस्ट पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों और अपने सभी ग्रुप में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट को। और इससे पहले भी मैंने टॉप 50 संविधान के क्वेश्चंस का एक टेस्ट लिया था, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको भी ज़रूर देख लेना। आपको हर एक क्वेश्चन में 5 से 6 सेकंड दिए जाएंगे। उस 5 से 6 सेकंड में आप नीचे उस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो ए बी सी डी में से कौन सा राइट आंसर रहेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो बिल्कुल सही है, अगर आप यहां पे ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है? तो बिल्कुल सही है, दूसरे का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तीसरे का राइट आंसर यहां पे ऑप्शन ए हो जाएगा, आप सभी को पता होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित है? दोस्तों ए बी सी डी जो भी ऑप्शन होता है राइट आंसर, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करें। ठीक है, इससे और अच्छे से आपका टेस्ट भी होता है और इससे आपको याद भी लॉन्ग टर्म तक रहेगा कि आपने गलत बताया था या सही बताया था, जैसा भी। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है? तो बिल्कुल सही, यहाँ पे 5वें का देखिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप कि आपने इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद किसे निर्देशित किया जाता है? तो 6ठे का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो 7वें का राइट आंसर आपका बिल्कुल सही है, अगर आप ऑप्शन डी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है? तो सभी को पता है आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? तो 9वें का राइट आंसर बिल्कुल सही है, अगर आप ऑप्शन बी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे? तो 10वें का बिल्कुल सही है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11वां है, राष्ट्रपति पर महाअभियोग का आरोप सांसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो बिल्कुल सही है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों द्वारा, यानी कि सांसद के किसी भी सदन द्वारा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो
तो बिल्कुल सही है, कोई सीमा नहीं है, कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? थर्टीन का राइट आंसर बिल्कुल सही है अगर आप ऑप्शन बी लगा रहे हैं। अगर टेस्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपना कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अगर आप कुछ चेंज कराना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप टेस्ट को लाइक करके भी बता सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं? तो बिल्कुल सही है, 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा, अदरवाइज एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं इनमें से। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सांसद का स्थायी एवं उच्च सदन है? तो 18वें का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? यहाँ पे राज्यसभा की बात की जा रही है, तो ध्यान से दीजिएगा आंसर। तो बिल्कुल सही है, 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर लोकसभा की बात की जाती तो दो को ही करता है, ठीक है, दो एंग्लो इंडियंस जिनको हम बोलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो 20वें का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। 21, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो 21 का राइट आंसर देखिए ऑप्शन बी रहेगा, 1952, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, लोकसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो बिल्कुल से यहां पे 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि इसका भी राइट आंसर उत्तर प्रदेश ही रहेगा। 24, लोकसभा एवं राज्यसभा के दो अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो बिल्कुल सही है, 24 का राइट आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बता दिया होगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है?
दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है, यानी कि जॉइंट जो सेशन होता है राज्यसभा और लोकसभा का, कौन बुलाता है उसको? तो बिल्कुल सही है दोस्तों, राष्ट्रपति ही बुला सकता है, और ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो 27वें का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे? तो बिल्कुल सही है, 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो बिल्कुल सही है, 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 30 है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास मत पारित हो जाए तो क्या होगा? तो यहाँ पे 31 का राइट आंसर ऑप्शन बिल्कुल सही है, आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, वित्तीय विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो दोस्तों बिल्कुल सही है, देखिए 32 का जो राइट आंसर रहेगा सभी को पता होगा आपको, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होता है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। 34 है, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? तो 34 का जो राइट आंसर रहेगा बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है आपका? बिल्कुल सही है, 35 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो बिल्कुल सही है, 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, राज्य की कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है? कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए जैसे आपका सेंट्रल में
मतलब देश में राष्ट्रपति होता है, वैसे स्टेट में राज्यपाल होता है, यानी कि बिल्कुल जो पावर सिमिलर होती हैं, वैसी पावर जैसी आपको राष्ट्रपति को होती है वैसी राज्यपाल को होती है स्टेट में, तो ये बहुत सिमिलर होते हैं। कभी मैं आपको इनको डीपली में पढ़ाऊंगा दोनों को रिलेट करके, तो सब कुछ याद भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, राज्यपाल पद पर बना रहता है? तो बिल्कुल सही है, 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है, राज्यपाल विधानसभा में अंगल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है? तो बिल्कुल सही, 41 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों 42 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले तो आपका स्कोर क्या रहा है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। इन सभी के आंसर मैंने नीचे यहाँ पे दे दिए हैं। इसकी